नगर निकाय चुनाव के मतगणना ड्यूटी में लगे कार्मिकों का प्रशिक्षण सकुशल संपन्न हुआ, जिसके संबंध में सहायक प्रभारी अधिकारी कार्मिक ब्रजेश यादव ने बताया कि नगर निगम व नगर पंचायत मिलाकर कुल 1464 कार्मिक हैं जो कि मतगणना में अपनी ड्यूटी देंगे, जिससे गणना पर्यवेक्षक, गणना सहायक व अतिरिक्त गणना सहायकों की तैनाती की गई है। इसमें नगर निगम में एक वार्ड में एक गणना पर्यवेक्षक व दो गणना सहायक लगाए गए हैं और नगर पंचायतों में इसी तरह एक गणना पर्यवेक्षक, दो गणना सहायक और एक अतिरिक्त गणना सहायक की ड्यूटी लगाई गई है और 5 बूथों की मतगणना के लिए एक टेबल और नगर निगम में हर वार्ड में एक टेबल लगाया गया है, जिसमें नगर निगम में पार्षद व महापौर की एक साथ मतगणना की जाएगी, जिसमें वार्ड नंबर 1 से 40 तक मतगणना एक साथ की जाएगी और दूसरी बार में 41 से 80 वार्ड की मतगणना एक साथ की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सहायक प्रभारी अधिकारी कार्मिक ब्रजेश यादव ने कहा, नगर पंचायत और नगर निगम दोनों मिलाकर के कुल हमारे 1464 काउंटिंग पर्सनल मतगणना कार्मिक 1464 लगाए गए हैं, जिसमें गणना पर्यवेक्षक, गणना सहायक और अतिरिक्त गणना सहायकों की तैनाती की गई है। इसमें जो हमारी नगर पंचायत है वहाँ पर 1+4 स्टाफ लगाए गए हैं और नगर निगम में 1+3 हैं। नगर निगम में 1+3 का आशय यह है कि एक गणना पर्यवेक्षक और इसके साथ दो गणना सहायक लगाए गए हैं और नगर पंचायतों में मतगणना कार्य के लिए एक गणना पर्यवेक्षक और दो गणना सहायक और एक अतिरिक्त गणना सहायक की तैनाती की गई है। कुल कितने टेबल लगाए जा रहे हैं? कुल टेबल जो हमारे 5 बूथों पर 5 बूथों की गणना के लिए एक टेबल लगाया जा रहा है। यहाँ नगर हम हर बूथ पर नगर पंचायतों में 5 बूथों पर एक टेबल है और नगर निगम में हर टेबल के लिए एक, हर बूथ के लिए, हर वार्ड के लिए एक हम लोगों ने टेबल लगाया है। अब वार्ड कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, इसलिए नगर निगम में 5 बूथों को पर एक हम साथ में मेयर और साथ ही साथ हमारा एक चेयरमैन और मेंबर की दोनों की काउंटिंग होगी और टेबल हमारे यहाँ नगर निगम में 40 रहेंगे और दो राउंड एक से लेकर वार्ड नंबर 1 से 40 तक की गणना हो जाएगी, फिर फर्स्ट वाले टेबल पर 41 से लेकर लास्ट 80 तक जाएगा। अपना नाम बताइए। मेरा नाम ब्रजेश यादव है, मैं सहायक निदेशक बचत के पद पर यहाँ गोरखपुर में कार्यरत हूँ और सहायक प्रभारी अधिकारी कार्मिक के रूप में CDO साहब के निर्देशानुसार हम लोग कार्य कर रहे हैं।